केवथर एसडीएम कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर संचालित संकट मोचन स्वसहायता समूह धान खरीदी केंद्र में व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी, जहां आप पार्टी के जिला अध्यक्ष ने निरीक्षण कर किसानों के साथ हो रही खुलेआम लूट का खुलासा किया है। सरकार के दावों पर कलेक्टर के आदेश का खरीदी केंद्र द्वारा पालन न करने का खुलासा हुआ है। पूरा मामला त्योंथर तहसील मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर गुलाला तालाब पर संचालित हो रहे संकट मोचन धान खरीदी केंद्र का है, जहां आप पार्टी के रीवा जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं एवं मीडिया के साथ धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया, जिसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्र में रखे गए सभी कांटों की तौल में गड़बड़ी पाई गई। वहीं हर किसानों से एक बोरी में लगभग 42 किलो तौल पाई गई, जबकि वजन 40 किलो 600 ग्राम लेने का आदेश है। किसानों के कांटे से वजन मिलाया गया तो भारी अंतर देखने को मिला है, जिस पर जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने पूरे भ्रष्टाचार की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों सहित त्योंथर एसडीएम को फोन पर जानकारी दी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मौके पर पहुंचे त्योंथर तहसीलदार राकेश शुक्ला एवं नायब तहसीलदार दिलीप शर्मा ने बोरियों का मिलान अलग अलग कांटों में कराया तो दोनों तौल में बड़ा अंतर पकड़ में आया है। तहसीलदार राकेश शुक्ला ने मीडिया के समक्ष जानकारी देते हुए बताया है कि शिकायत सत्य पाई गई है और समिति के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि किसानों ने बताया है कि कड़ाके की ठंड में किसानों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है और वजन ज्यादा व 12 रुपए प्रति क्विंटल पैसे लेकर किसानों का खून चूसा जा रहा है, जिस बात को खरीदी केंद्र में मौजूद कर्मचारियों ने भी स्वीकार किया है। स्थानीय विधायक श्याम लाल द्विवेदी पर भी किसानों ने व आप पार्टी की जिला अध्यक्ष ने खरीदी केंद्र का संरक्षण करने का आरोप लगाया है। आज आपके द्वारा त्योंथर तहसील मुख्यालय से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर गुलाला तालाब में संचालित धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया है, तो यहाँ क्या अनियमितता आपको देखने को मिली? अनियमितता यहाँ व्यापक है। जो बोर्ड की दावेदारी कर रहे थे मिस्टर कलेक्टर जो है मिस्टर पुष्प, वो बोर्ड यहाँ पर नदारद है। कहाँ पर लगाया पढ़ नहीं पाया मैं स्वयं। अलाव की जो व्यवस्था होनी चाहिए, अलाव की व्यवस्था पर्याप्त नहीं, जिस प्रकार से लोग यहाँ रात को रुक नहीं पाते होंगे। यहाँ पर दो दो मशीनें हैं, इनकी खुद की मशीनें जो है, इनका खुद का भरण जो है वो 41,200 ले रहे हैं। उसके बाद हमने मशीन किसान की मशीन मंगाई है, उस मशीन में करने के बाद जो है यहाँ पर जो है वो अलग से जो है वो जो है 41,800 पहुँच जा रहा है, 500 के उसमें ही बढ़ाया हुआ है। यहाँ पर जो है मैं कहना चाहूँगा, इस क्षेत्र के विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी मेरे अच्छे पुराने बुजुर्ग भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, तो विधायक जी से मैं बोलना चाहूँगा, इसको जनता के साथ में खड़े होने की ज़रूरत है, अपने को बोलने की जरूरत है, ताकि यहाँ पर इस प्रकार के निमित्त लूट रहा है यहाँ किसान। आपका कोई पानी की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये बेचारे भी क्या करें, इनको यहाँ पर ऊपर जाने के लिए गाड़ी के जब ये गाड़ी को कैंसिल करने का, यहाँ पर जो बैठा हुआ आदमी, कई जगह मैं गया हूँ, बार बार गाड़ी कैंसिल करने का भी घूस लिया जाता है। तो ये सब चीज़ों को अनियमितता को करना, और मैं इस क्षेत्र के विधायक को ये बहुत बोलता हूँ कि तत्काल आज शाम तक इस जगह पर पहुँचना चाहिए। आप यहाँ पर धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, कुछ भी करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करते, क्षेत्र की जनता को ये साफ है कि आपके यहाँ पर कलेक्टर महोदय इस कार्यवाही को इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके यहाँ पर श्यामलाल द्विवेदी जी का फोन जाता है इस काम को। ये सब जितने समितियाँ बने हुए हैं ये सब चंदा की वसूली हैं और वो पैसा इनको मिलता है, चुनाव इसी से लड़ते हैं आगे आने से, इसलिए जो है बड़ी बात है। और इसलिए मैं बोलूँगा कि उनको यहाँ पर आके जनता के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, और मैं इसलिए आया था, पहला ही मैं आया हूँ पास में और ये घटना घट गई। आपके माध्यम से त्योंथर एसडीएम को सूचित किया गया, उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया? वो उनको एसडीएम जो है, मेरा डायरेक्ट अभी एसडीएम साहब से बात हुई है, पुष्प जी को मैंने कलेक्टर साहब को बोला, कलेक्टर साहब अपने तहसीलदार को यहाँ पर भेज रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस पर कार्रवाई उन्होंने मेरे रिकॉर्डिंग मंगा ली है, इस पर ये कार्रवाई जो है इंगित कर रहे हैं और इस पर जो है वो अब कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगातार रिकॉर्डिंग भी की है और मैं लाइव था पूरे जगह में। मैं प्रमोद शर्मा, आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है किसान को लूट रहे हैं, और लूटने का शिवराज सिंह चौहान जो दावेदारी कर रहे हैं, आपका विधायक यहाँ पर इस पर इतना बड़ा आ जाए, अगर देख ले विधायक तो ये सब मामला ही ना हो, पर वो जब खुद लुटवाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए जो है बेहद शर्मनाक, शर्म करें क्षेत्र का विधायक।